नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज पार्ट नंबर 28, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए हिंदी मॉडल क्वेश्चन के बारे में। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले आप सभी के एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। इस वीडियो में हिंदी के उस कवि से रिलेटेड के बारे में आज हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर के या थर्ड ईयर के, तीनों ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो खास ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके जो एग्ज़ाम होता है उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आज की वीडियो में जो इंक्लूड किया गया है वो है कि डॉक्टर हजायर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो सूरदास का जन्म कहाँ मानते हैं। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले वो सूरदास जिससे रिलेटेड होने वाले, तो सूरदास जिससे रिलेटेड एग्जाम में, हिंदी के एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये इस वीडियो में जो क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं इसी में से आपको 3-4 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बिना देरी किए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डॉक्टर हजायर प्रसाद द्विवेदी जो जी जो हैं सूरदास जी का जो जन्म है वो रुनकता में मानते हैं, ठीक है। हजायर इनके यानी कि सूरदास जी के जन्म के बहुत सारे मतभेद हैं। कोई कवि या फिर कोई लेखक इनका जन्म कहाँ पर मानता है, कोई कहाँ पर मानता है, तो इसी तरह बहुत सारे मतभेद हैं। तो डॉक्टर हजायर प्रसाद द्विवेदी जी के अकॉर्डिंग इनका जन्म रुनकता में हुआ था, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अवगत गति कछु कहत न आवे पंक्त किसकी है। कबीरदास, रहीमदास, सूरदास, तुलसीदास, तो इसी तरह क्वेश्चन दिया रहेगा आप लोगों को और ऑप्शन भी रहेंगे। तो जो राइट होगा उसे आप लोगों को ओमार सीट में फिल करना होगा। तो ध्यान में रखिएगा किसी प्रकार के एग्जाम में फर्स्ट ईयर में पूछे जाएंगे, फर्स्ट ईयर वाले एग्जाम में, ठीक है, फर्स्ट पे बी फर्स्ट ईयर में। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आप सभी को मालूम है किसी हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सूरदास जी के बारे में, सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। नंबर एक सूरदास की, कबीरदास जी की, जायसी की और डी नंबर मीरा की। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सूरदास। साहित्य लहरी जो है वो सूरदास जी की रचना है, ठीक है, ए नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सूर सारावली में कितने छंद हैं। 1500, 1750 और थर्ड ऑप्शन है 100 और डी नंबर है 1107। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूर सारावली में जो छंद है वो उनकी जो संख्या वो 1107 है, इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि सूर सागर किसकी रचना है। नंबर एक तुलसीदास की, कबीरदास की, सूरदास की, जायसी की। तो जो सूर सागर है वो सूरदास जी की ही रचना है, राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास का काव्य स्वरूप क्या है। नंबर एक खंड काव्य, महाकाव्य, प्रबंधक काव्य, गीत काव्य, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूरदास का जो काव्य रूप है वो प्रबंध काव्य है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जिन छात्रों को राइट आंसर मालूम हुआ करे क्वेश्चन का, तो वो बेशक कमेंट करके वो बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, जिससे आप लोग को गेस करेंगे या फिर आप बताएंगे तो आपको ही पढ़ने में और समझने में आसानी होगी, ओके। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास के गुरु कौन थे। नंबर एक नंददास, रहीम, वल्लभाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सूरदास जी के गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे, इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपली सी नंबर, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कवि कौन है। नंबर एक मोलकदास, केशवदास, सूरदास और ऑप्शन नंबर है डी रहीमदास। ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर सी, ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा सूरदास जी। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है। छंद, रस, नायिका भेद, डी नंबर शब्दकोश। तो साहित्य लहरी की जो विषय वस्तु है वो नायिका भेद है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सूर सागर किसकी रचना है। नंबर एक तुलसीदास की, कबीरदास की, सूरदास की, जैसे की। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है,
कोई क्वेश्चन हो सकते हैं रिपीट हो गए हों तो उसे आप लोग समझ लीजिएगा, फिर हम हाल में आप लोगों को बता दूंगा जो क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगला ऑप्शन है कि सूर सागर में कितने पद हैं, आपसे मिल जाएगा 1100, बी नंबर 5000, और सी नंबर 5436, और डी नंबर 120। तो सूर सागर में जो पदों की संख्या वो 5036 है, यानी कि 4936, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आज की सीरीज में जो है कि सूरदास ने सूर सागर में कितने भ्रमर गीत की योजना की है, नंबर 1 5 की, 13 की, 15 की, लास्ट ऑप्शन है 3 की। तो सूरदास ने सूर सागर में जो भ्रमर गीत की योजना है वो भ्रमर गीत की योजना की है वो 3 है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि उधो गोपियों को किसकी शिक्षा देने आए थे, उधो गोपियों को किसकी शिक्षा देने आए थे, ऑप्शन मिल जाएगा प्रेम का, ज्ञान का, भक्ति का, और इनमें से कोई नहीं। तो उधो जो आए थे वो ज्ञान का, ज्ञान की शिक्षा देने आए थे गोपियों को, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते, तो इस बार भी आ सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की आज की स्पीड में। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर नागेंद्र सूरदास जी का जन्म कहाँ मानते हैं, काशी में, सीही में, सोरो में, शाहजहाँ। अभी ऊपर आपने पढ़ा था कि हजारे प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो उनका जन्म रौनकता में मानते हैं, और यहाँ क्वेश्चन दूसरा आ रहा है कि डॉक्टर नागेंद्र जी सूरदास जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ मानते हैं, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीही। ठीक है, नागेंद्र जी सीही में मानते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखा है कि सूरदास में कितने स्कंद हैं, नंबर 1 50, 18, 12, और लास्ट ऑप्शन 15। तो सूरदास में 12 स्कंद हैं, इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है, नंबर 1 शांत रस का, बी नंबर वियोग श्रृंगार का, सी नंबर वात्सल्य का, डी नंबर संयोग श्रृंगार का। तो सूरदास जी को वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है, वात्सल्य, ठीक है, रस का सम्राट कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि साहित्य लहरी की रचना कब की गई, 1500 में, 1700 में, 1300 में, और 1550 ये ईस्वी हैं। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी की जो रचना है वो 1550 ईस्वी में की गई थी, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि सूरदास ने कृष्ण जी को किस रूप का चित्रण किया है, यानी कि सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है, योगेश्वर का, लोकरंजक का, नागेश्वर का, लोकरक्षक का। तो सूरदास जी ने कृष्ण जी का लोक रंजक रूप का चित्रण किया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लिखा है कि सूर सारावली की रचना संसार को किसका रूपक मानकर की गई है, होली को, दिवाली को, दशहरा को, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर होली। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, होली को मानकर की गई है, नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गोकुल सबे गोपाल उदासी पंक्ति किसकी है, नंबर ऑप्शन मिल जाएंगे मीराबाई, कृष्णदास, तुलसीदास, सूरदास। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सूरदास जी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। लिखा है कि सूर सागर किसकी रचना है, तुलसीदास की, कबीरदास की, सूरदास की, जयसी की। तो सूर सागर आप सभी को मालूम है कि सूरदास जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर सागर में कितने पद हैं, अभी आप देखें ऊपर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए तो फिलहाल आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है आपको, ऊपर मैंने बताया ही। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं।
लिखा है कि सूरदास में कितने स्कंद हैं? नंबर 50, 18, 12, 15। ठीक है, तो सूरदास में जो स्कंद की संख्या है वो है 12, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। लिखा है कि ये भी क्वेश्चन अभी ऊपर आप लोगों ने देखा है, रिपीट हुआ है। ओके, और ये भी क्वेश्चन अभी आपने देखा रिपीट हुआ है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं इसमें। ठीक है, साहित्य लहरी भी आप लोगों ने देखा है क्वेश्चन। सुसारावली में कितने छंद हैं, ये भी आपने भी क्वेश्चन का आंसर जाना है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतने, लगभग 20 या 22 क्वेश्चन थे। ठीक है फिलहाल, लेकिन ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। सूरदास जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं, इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो सर्च करके आप देख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग कहेंगे तो पूरी मैं इनकी जितने भी सूरदास जी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं 50-60 सारे मैं आप तक प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन उसके लिए कमेंट करना होगा आप लोगों को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट करेंगे तो मैं वो उस पर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इन सभी जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी मैंने इस वीडियो में बताया, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए आने वाला एग्ज़ाम इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे, दोबारा वीडियो फिर से देखेंगे, समझ में नहीं आई तो आपको 3-4 नंबर इससे क्लियर हो जाएंगे। और इन सभी क्वेश्चन का जो PDF चाहिए आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उससे ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर मैं डाल दूंगा, तो आप लोग इसे आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।